भाग लेना है जो अभी छुट्टियां रद्द की हैं, इसके संबंध में आप क्या करना चाहते हैं? देखिए, इस छुट्टी के रद्द करने के संदर्भ में जैसे ही सूचना जनमानस में आया तो शिक्षक में एक कोलाहल तो बना ही है, लेकिन जनमानस में इसका एक और विरोध है। इसका वजह है कि इस छुट्टी को रद्द करके सरकार सिर्फ शिक्षक नहीं, समस्त हिंदू समाज, नारी समाज, सभी को ये धैर्य का परीक्षा ले रहा है। साहब, जितना छुट्टी आप रद्द किए हैं, वो चाहे दुर्गा पूजा हो या छठ हो या जितिया हो या तीज हो, हमारी घर की माँ बहन बेटी भी करती है, और खास करके वही करती हैं, और 60% के लगभग तो आपको शिक्षिका महिला है, और आप ये छुट्टी रद्द किए हैं। आप दलील क्या दे रहे हैं? दलील दे रहे हैं कि पढ़ाई के लिए। यदि पढ़ाई ही आपके नज़र में इतना महत्वपूर्ण है तो शिक्षक से आप पठन पाठन के अलावा आप जो भी काम ले रहे हैं वो सारा आप पहले रद्द करें, सारे विद्यालयों में शिक्षकों की बहाली करें, उसके बाद यदि आप करते तो लोगों को लगता कि शायद आपका ध्यान शिक्षा की ओर गया है। लेकिन आज इस दर्दनाक निर्णय से सभी के नज़र में आ गया है कि आप केवल और केवल पुष्टिकरण के नाम पर, आप वोट के राजनीति के नाम पर, आपने एक खास वर्गों को खुश करने के लिए आपने निर्णय लिया है। इस धैर्य के परीक्षा में हिंदू समाज आपको माफ नहीं करने वाले हैं, और खास करके जो हमारी नारी शक्ति है, आज उसके दिल पर जो आप चोट पहुंचाने का काम किए हैं, इसका अंजाम आपके लिए अच्छा नहीं होगा।